आज शाम 7:15 बजे यानी कि 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा इस बात की भी खूब चर्चा है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद के रेस में चल रहा है, आइए जानते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किसे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। आज जब यहाँ हम आए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षमता है या हमारी उपयोगिता है उसके आलोक में वे लोग निर्णय लेंगे। हमारी उसमें कुछ नहीं डिमांड है, कुछ नहीं इच्छा है और अपेक्षाएं हैं। सूत्रों की माने तो बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इसका फॉर्मूला करीब करीब तैयार हो गया है। बिहार के हिस्से 8 मंत्री पद आ सकता है। बीजेपी से 3 मंत्री, जेडीयू से 3 मंत्री, हम से 1 और एलजेपी आरवी से 1 सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हमको लगता है कि रेल विभाग का अच्छा रहेगा, वहाँ बिहार के विकास के लिए अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। जेडीयू से मंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह का है, जो इस बार भी मुंगेर से सांसद बने हैं। वहीं रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की रेस में है। रामनाथ ठाकुर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू की ओर से 2 नाम और मंत्री पद की रेस में हैं। ये हैं राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार का। आपको खबर करेंगे कि हमको आ गया वारंट, अभी तक कुछ आया नहीं है। बिहार बीजेपी से भी 3 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना है। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे नित्यानंद राय और मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का पद संभाल चुके गिरिराज सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा सारण से लालू प्रसाद की बेटी को हराने वाले पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी का नाम भी इस बार मंत्री पद की रेस में है। 5 सीट पर जीत दर्ज कर 100% स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पार्टी के एकमात्र सांसद जीतन राम मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि